हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज हम क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम पढ़ेंगे। क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या है, तो उससे पहले मैं क्विक शॉर्ट का आपको रिव्यू देना चाहूंगी। क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम हमारी सबसे अच्छी एल्गोरिदम है एवरेज के मामले में। इसकी एवरेज बहुत अच्छी आती है। इसमें हम पूरे एरे को, पूरी एल्गोरिदम को पार्टीशन में, पूरे एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। क्विक शॉर्ट एक रिकर्सिव एल्गोरिथम होती है जिसमें हम रिकर्सन यूज करते हैं। रिकर्सन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है मगर बहुत हेल्पफुल, बहुत यूजफुल होता है जो लेंथी आपकी एल्गोरिथम्स होती है उनको समझने के लिए, उनको करने के लिए। तो आप अभी मैं आपको एल्गोरिथम और एग्जाम्पल कराऊंगी, जब आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। तो आइए पहले इसकी एल्गोरिदम देखते हैं। ये हमारी क्विक शॉर्ट की एल्गोरिदम है, तो देखिए ध्यान से समझिए हमने क्या किया है। स्टेप वन, हमने दो तीन वेरिएबल लिए हैं, एक लो, एक हाई, एक की। लो वेरिएबल में हमने हमारा सबसे पहला एलिमेंट लिख दिया है एल, जिसे हम लो को हम कह रहे हैं एल, हाई को हम कह रहे हैं एच, और की कैसे निकाल रहे हैं, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय टू हमारी की निकलेगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे और की हमारा एक इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए। इसके बाद हमें ये सारे स्टेप 3 to 7 रिपीट करने हैं, कब तक, जब तक हमारे लो की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाई नहीं रहती। ठीक है, इसके बाद हमें थर्ड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट लूप है, मान लीजिए फोर लूप है, ये इसके अंदर फिर से एक लूप है। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ए ऑफ लो की वैल्यू लेस देन होगी हमारी की से। जब ए ऑफ लो की वैल्यू कम होगी की वैल्यू से, तब तक हमें क्या करना है, लो को एक से इंक्रीमेंट करते हुए रहना है। इस लूप के अंदर ये वाला लूप खत्म, फिर से एक लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, इस ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ए ऑफ हाई की वैल्यू लेस देन होगी हमारी की वैल्यू से। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, हाई को हर बार एक से डिक्रीमेंट करते हुए जाना है। दो लूप खत्म, अब हम इसमें लगा रहे हैं इफ एल्स। इसी लूप के अंदर चल रहा है, एक लूप के अंदर डबल लूप लगा चुके हैं और अब एक इफ एल्स और लगा रहे हैं, जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं अगर हमारे लो की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाई है तो हमें वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करना है, लो की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट और हाई की वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट करना है। ये यहाँ पर इफ और एल्स खत्म। इफ एल्स खत्म होने के बाद इस लूप की, इस वाले लूप की बॉडी यहाँ पे खत्म, और इसके बाद फिर से हम कॉलिंग कर रहे हैं क्विक शॉर्ट को। अगर इफ की वैल्यू, अगर लो की वैल्यू लेस देन हाई है तो हमें लेफ्ट पार्ट को कॉल करना है, अगर लो की वैल्यू ग्रेटर देन है हाई एच से, लेस देन है एच से, तो हमें उसके राइट पार्ट को कॉल करना है। इस चीज को हम पूरे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए ये हमारा एग्जांपल है जो हमें क्विक शॉर्ट से सोल्व करना है। तो देखिए हमारा लॉजिक, हम क्या करेंगे, इसमें एक टर्म लेते हैं लो और लो की वैल्यू रखते हैं जीरो, और एक वेरिएबल लेंगे हम हाई जिसकी वैल्यू होगी एन माइनस वन, और एन क्या है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो हाई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 10 माइनस 1 9। तो देखिए हम, आपको पता है हम एरे स्टार्ट करते हैं जीरो से, हम यहाँ नंबरिंग लिख लेते हैं, इसका मतलब मेरा लो कहाँ पर है, यहाँ पर, और हाई कहाँ पर है, यहाँ पर। ये ध्यान रखिए आप कि यहाँ पर है हमारा लो और यहाँ पर है हमारा हाई। ठीक है, और ये हो गया हमारा हाई। अब हमें एक निकालनी है की कैसे निकालेंगे, ए लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय टू,
और ये ध्यान रखना ये इंटीजर होगी हमारी, इंट वेरिएबल होगा ये हमेशा, ठीक है। हमें एक की वेरिएबल, की नाम का वेरिएबल लेना है जो कि इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय टू। लो की वैल्यू क्या है हमारी जीरो, हाई की वैल्यू क्या है हमारी नाइन, ठीक है। जीरो प्लस नाइन, नाइन एंड डिवाइडेड बाय टू क्या आएगा 4.5, लेकिन की हमारा इंटीजर है तो सी लैंग्वेज में जब हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो पॉइंट के बाद की वैल्यू नेगलेक्ट हो जाती है और की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, ठीक है। आया समझ में, की वैल्यू हमने इंटीजर ली है इसलिए पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद की वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी और सिर्फ की वैल्यू आ जाएगी हमारी उससे डेसिमल से पहले वाली वैल्यू 4। तो देखिए काउंट कीजिए 0, 1, 2, 3, 4 की कहां पर है हमारी, यहाँ पर। अगर ये तीन चीजें समझ आ गई उसके बाद क्विक शॉट बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमने जो की मानी है, जो हमारी की निकल के आई है, हम पूरे एरे के दो पार्ट कर लेते हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक हमारा राइट पार्ट। हमने जो एल्गोरिदम, हमारी जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से वर्क करेगी कि इस पूरे एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी, फर्स्ट पार्ट लेफ्ट पार्टीशन, सेकंड पार्ट राइट पार्टीशन। लेफ्ट पार्टीशन में जो हमारी की वैल्यू आई है, जो की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी इन सारे एलिमेंट से, की से सारे छोटे एलिमेंट लेफ्ट साइड और की से सारे बड़े एलिमेंट होंगे राइट साइड में। ये ध्यान रखना, जो हमारी की वैल्यू आई है, ए ऑफ की आया है, उससे लेफ्ट में सारे छोटे वेरिएबल और राइट में सारे बड़े वेरिएबल होंगे, ठीक है। क्विक सॉर्ट एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है जो एक बार तो हम पूरे एरे के लिए रन करेंगे और बाद में पार्टीशन वाइज ये रन होगा। तो अब इसको देखते हैं हम, आपको ये चीजें समझ में आ गई कि लो कहाँ पर है हमारा, हाई कहाँ है, की वैल्यू क्या है हमारी, ठीक है। अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है। देखिए मैं यहां पर लिख लेती हूं एक बार अपनी लो की वैल्यू, लो की वैल्यू 0, हाई की वैल्यू 9 और की वैल्यू हमारी 4, ठीक है। और ए ऑफ की क्या है हमारा 4 पर, क्या वैल्यू हमारी 68, ठीक है। अब हमें ये वर्क कैसे करेगा, देखिए हम लूप लगेगा एक, उस लूप में होगा क्या, हम चेक करेंगे ए ऑफ लो, ए ऑफ की वैल्यू ग्रेटर देन, इस साइड क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो ए ऑफ की वैल्यू ए ऑफ लो से ग्रेटर देन है क्या, 68 इज ग्रेटर देन 45, यस ट्रू। ट्रू होते ही आपको लो की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करना है, एक से इंक्रीमेंट का मतलब है लो की वैल्यू 0 से क्या हो चुकी है आप 1, ठीक है। अब यहाँ तो ए ऑफ लो पर क्या है अब 26, 68 इज ग्रेटर देन 26, ट्रू। तो फिर से लो की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो गई, क्या हो गई यहाँ पर 2। अब देखिए 68 इज ग्रेटर देन 77, नहीं फॉल्स, इस कंडीशन में फॉल्स हो गया। यहाँ पर याद रखना जो लो की वैल्यू है वो रहेगी, यहाँ पर ये लूप खत्म हो जाएगा, लो की वैल्यू क्या रही हमारी 2, 2 पर आकर हम स्टॉप हो चुके हैं। अब इसके बाद हाई के लिए चलेगा हमारा, इधर से चलाएंगे हम इस डायरेक्शन में, लूप लगेगा आपका ए ऑफ की इज लेस देन ए ऑफ हाई, ठीक है। 68 इज लेस देन
ए ऑफ आई ए ऑफ नाइन पे क्या है 90, ट्रू है, ट्रू हो जाए जब हाई की वैल्यू को एक से माइनस करना है, मतलब 90 तो क्या हो गया 8, ठीक है। फिर से चेक करेंगे 68 इज लेस देन 99, यस ट्रू, फिर से हाई माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो गया 8 से 7, 7 पर क्या है 39, 68 इज लेस देन 39, फॉल्स क्योंकि 68 इज ग्रेटर देन 39, फॉल्स हो गया। ये लूप यहीं पर रुक जाएगा हमारा, ठीक है, आया समझ में। अब करना क्या है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी लो की वैल्यू आ चुकी है 2, हाई की वैल्यू है 7 और दोनों लूप हमारे खत्म हो चुके हैं। अब इन लूप के बाद हमें लो और हाई की वैल्यू मिल गई है, अब हमें क्या करना है, हम चेक करेंगे इफ लो 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, लो की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू है क्या हाई के, यस ट्रू, ट्रू होने के बाद हम क्या करेंगे इन वैल्यूज को, इस वैल्यू को, क्योंकि लो 2 पर क्या वैल्यू है 77 और हाई पर क्या है हमारी 39, इन वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज द वैल्यूज, आपने वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया और इंटरचेंज करने के बाद आपको लो की वैल्यू को भी एक से इंक्रीमेंट करना है और हाई की वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लो की वैल्यू तो 2 से क्या हो जाएगी अब हमारी 3 और हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 से 6 और नया एरे क्या मिल गया हमें 45 26, यहाँ 39 14 68 61 97 77 99 एंड 30, ये वैल्यूज इंटरचेंज हो गई है, ठीक है। अब वापस से हमें चेक करना है, हमें चेक करना है लो की वैल्यू अब बी लेस देन हाई है क्या, थ्री इज लेस देन इक्वल टू 6, हाँ ट्रू है। तो ये चीज जो हमने दो लूप लगाए थे और ये चीज करी थी, वापस से चलते रहेंगे कंटिन्यू में, तो देखिए यहाँ पर कर रही हूं मैं, याद रखिएगा लो की वैल्यू 3 है हमारी, यहाँ पर 39 आ चुका है हमारा और यहाँ पर हमारा 77 हो गया है, लो की वैल्यू थी 3 और हाई की वैल्यू है हमारी 6 और की यहाँ पर है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आया है समझ में। अब इसके बाद करते हैं, वापस से हम चेक करेंगे ए ऑफ की, ए ऑफ की इज ग्रेटर देन ए ऑफ लो, 68 इज ग्रेटर देन 14, यस ट्रू, तो ये क्या हो गया वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। फिर से 68 इज ग्रेटर देन 68, क्योंकि ये लो की वैल्यू 4 हुई है, की वैल्यू भी 68 है, तो ये इक्वल है, ये ग्रेटर देन नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लो की वैल्यू रही हमारी 4। अब लगाएंगे ए ऑफ की इज लेस देन ए ऑफ हाई, 68 इज लेस देन 97, यस ट्रू, हाई की वैल्यू हो चुकी है 5, 68 इज लेस देन 61, फॉल्स, फॉल्स हो गया। अब हमें इफ कंडीशन लगानी है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, तो ये क्या होगा, अब दोनों इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यूज, इसका मतलब यहाँ पर हमारा 61 आ चुका है और यहाँ पर हमारा 68 आ चुका है, वैल्यूज इंटरचेंज हो गई। तो देखिए
और यहाँ पर हमारी की भी चेंज हो चुकी है, हमने वैल्यू इंटरचेंज करी। इंटरचेंज करने के बाद हमें इसको इंक्रीमेंट और इसको डिक्रीमेंट भी करना था, ठीक है, हमने कर दिया 5 और 4। हमारे जो ये तीन लूप, दो लूप और एक इफ एल्स लग रहा था, लूप लगा हुआ था, एक लूप लगाया था हमने और एक इफ एल्स लगा हुआ था, ये कब तक रन होना था, जब तक लो की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाई है। और अब लो की वैल्यू हो चुकी है 5 is less than equal to 4। कंडीशन फॉल्स होने के बाद अब ये लूप, इस लूप में हम वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो ध्यान से देखिए, ये तो अभी शॉर्ट नहीं हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया क्विक शॉर्ट एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है। अब हम कॉल करेंगे, देखिए अब हम एक दोबारा कॉल करेंगे, किसको हम किसको कॉल करेंगे, अब हम इधर के लिए वापस से क्विक शॉर्ट को कॉल करेंगे, दोबारा से क्विक शॉर्ट को हम कॉल करेंगे। अब जो ये इतना शॉर्ट हुआ है एरे, इसको पास करेंगे। लो की वैल्यू एक एल वेरिएबल, अभी तक हम लो वेरिएबल ले रहे थे, अब हमें कुछ भी दूसरा वेरिएबल जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, ठीक है वो, और यहाँ पर पास करेंगे आप हाई की वैल्यू। हाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, ये पास करेंगे। पास करने के बाद जो हमने अभी रूल लगाया, ये रूल वापस से वर्क करेगा, देखिए 45, 26, 39, 40, सिर्फ इतने के लिए क्विक शॉर्ट लगाया, तो लो की वैल्यू है हमारी 0, हाई की वैल्यू होगी हमारी 0, 1, 2, 3, सॉरी 61 भी जाएगा हमारा, हाई तक वैल्यूज जानी चाहिए। हाई की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 4, तो ये 4 तक जाएगा, एओ 461 तक, ठीक है। लो की वैल्यू 0, हाई की वैल्यू 4, और की वैल्यू निकालिए आप यहाँ से, 0 + 4/2 क्या है आपका 2, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या होगी आपकी की वैल्यू, ठीक है। वापस से चेक करिए, 39 is greater than 45, नहीं फॉल्स है कंडीशन, तो लो की वैल्यू 0 ही रहेगी। अब चेक करेंगे इस साइड से, 39 is less than 61, यस ट्रू, हाई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, 3 हो गया। अब 39 is less than 14, फॉल्स, तो अब क्या लगेगा, 0 is less than equal to 3, यस, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इंटरचेंज हो गई वैल्यूज। यहाँ आ चुका है हमारा 14 और यहाँ आ गया हमारा 45, और इंटरचेंज के बाद होता क्या है, ये एक से इंक्रीमेंट और ये एक से डिक्रीमेंट। वापस से चेक कीजिए, 39 is greater than 26, यस ट्रू, 2 हो गया, 39 is greater than 39, फॉल्स, 39 यहाँ पर भी 2 है, लेस देन 39 ये भी फॉल्स, तो इफ एल्स की कंडीशन लगेगी 2 is equal to 2, इक्वल है इंटरचेंज होंगे नहीं, इंटरचेंज होंगे नहीं, तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, ये हमारा शॉर्ट हो चुका है 14, 26, 39, 45, 61, ठीक है। इसी तरह से अब ये चेंज करके यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 14, 26, 39 and 41, यहाँ तक हमारा शॉर्ट हो चुका है। अब दोबारा से शॉर्टिंग कॉल होगी किस साइड के लिए, इस साइड के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। इस तरह से ये रिकर्सिव वर्क करता जाएगा और लास्ट में हमें एक
शॉर्टेड एरे मिल जाएगा हमारा जिसके एलिमेंट्स होंगे ठीक है फ्रेंड्स। शॉर्ट समझ में आया कि आपका पार्टीशन कर करके क्विक शॉर्ट को वापस से रिकर्सिव एल्गोरिदम को कॉल किया जाएगा। इसमें आप पार्टीशन कर लेते हैं, एक आपके तीन वेरिएबल्स की जरूरत होती है, एक लो वेरिएबल, एक हाई वेरिएबल, एक की वेरिएबल। की वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, आया समझ में आप सभी को इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखने के बाद अब आपको ये एल्गोरिदम अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने लो वेरिएबल, हाई वेरिएबल, की वेरिएबल कहाँ यूज किया है, ये लूप क्या वर्क कर रहे हैं। इस लूप, ये हमारा डू वाइल लूप होगा, इसके बाद ये टू वाइल लूप और एक हमारा इफ एल्स होगा। और ये हमारे क्या है, हमने एल हाई और लो एच क्यू यूज किया है क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन वैल्यूज को स्टोर करके रखा हुआ था। और ये आपको इजीली समझ आ गया होगा कि हमने लो की वैल्यू को इंक्रीमेंट क्यों किया है, हाई की वैल्यू को डिक्रीमेंट क्यों किया है। तो एग्जाम्पल के बाद आई होप कि एल्गोरिदम आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको एल्गोरिदम समझ आ गई हो, एग्जाम्पल समझ आ गया हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो भी कमेंट कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।